सरकार दो आलम के रुख पर अनवार कालम क्या होगा, जब जुल्फ का वासिफ है पुरारुख, सार कालम क्या होगा, जब उनके गुलामों के दर पे झुकते हैं सलातीने आलम। इंसाफ से कह दो आका के दर बार कालम क्या होगा, मीजान अदल पर होंगे कभी और होंगे कभी वो कौसर पर, उम्मत के लिए रोज़े महशर सर कार कालम क्या होगा। अल्लाह का शुक्र है आप लोग बेदार हैं और पिंडाल के नीचे हैं, बेहतरीन मेज़बान हैं, सुनने वाले सुना रहे हैं और आप सुनने का हक अदा कर रहे हैं। दिल से दुआ देता हूँ अल्लाह हमारे सुनाने को आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। सवालों से मैं अपने पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाल्लाह सुनने के लिए तैयार है, दोनों हाथ उठाइए। नबी से मोहब्बत होगी मगर सुन्नत से नहीं, हाथ उठाइए। खुदा से मोहब्बत होगी मगर इबादत नहीं, हाथ उठाइए। देखिए समझ में आ रहा है कि आप लोग कहाँ हैं, या तो कब्रिस्तान में हैं या ससुराल में। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपके दिमाग को भी टटोल करके पैगाम दूंगा। जलसा आपका निकल गया, थोड़ी देर दुआ से पहले रुका हुआ है और सब लोग पर तौल करके खड़े हैं, गोया के जलसा ख़त्म होने के बिल्कुल करीब आ चुका है। सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। अगर मुसलमान कहता है खुदा से मोहब्बत है, अगर मुसलमान कहता है नबी से मोहब्बत है, तो कैसे पता चलेगा कि ये खुदा से मोहब्बत करता है? सही है या गलत है, सच्चा है या झूठा है, कैसे पता चलेगा? ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, हर इंसान के तीन दोस्त हैं, पहला और दूसरा और तीसरा दोस्त कौन है? ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा और आखिरी सवाल है, चार अंधेरों से इंसान को गुजरना पड़ेगा। सबसे पहला अंधेरा जो आपके पीछे है, दुनिया का अंधेरा, इसके लिए उजाला कौन सा है? दूसरा अंधेरा आखिरत का, उसके लिए उजाला कौन सा है? तीसरा अंधेरा कब्र का, कब्र का अंधेरा, उसके लिए उजाला क्या है? पुल सिरात का अंधेरा, उसके लिए उजाला क्या है? चारों के अंधेरे के लिए उजाला क्या है? ये मेरा आखिरी सवाल है। मुकम्मल सुनेंगे, अमल करेंगे, मरने के बाद तैयारी करेंगे, मौत की हाथ उठा दीजिए। खैर ध्यान रखिएगा, आप कहाँ हैं? जब तक आप जगह पर नहीं आएंगे हम आपका पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। तीन सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा। मुसलमान कहता है कि मुझे खुदा से मोहब्बत है, खुदा से मोहब्बत है, भाई से नफरत है, मोहब्बत में झूठा है। भाई की मोहब्बत ही का नाम खुदा की मोहब्बत है। नबी से मोहब्बत है, आलिम से नफरत है, नबी से मोहब्बत है, आलिम से नफरत है, मोहब्बत में झूठा है। नबी के वारिस से नफरत और नबी से मोहब्बत, मोहब्बत में झूठा है। दूसरा सवाल था, हर इंसान के तीन दोस्त हैं, पहला दोस्त जो हमसे मोहब्बत करता है, मोहब्बत करने वाला हमारा पहला दोस्त, दूसरा दोस्त जो हमसे नफरत करता है। नफरत करने वाला कैसे हमारा दोस्त हुआ? हमें तरीका बता रहा है कि इलाज से बढ़कर के परहेज़ है, इससे बच करके रहो, कब क्या कर दे इससे बच करके रहो। तीसरा दोस्त वो है जो हमसे कोई मतलब ही नहीं रखता, इसका क्या मतलब हुआ? हमें खुदा से मतलब रखना है, दुनिया से मतलब ही नहीं रखता, दुनिया से मतलब ही नहीं रखना है, इसकी तालीम दे रहा है, ये भी हमारा दोस्त है। चार अंधेरे हैं, दुनिया का अंधेरा, एक इसके लिए उजाला क्या है? इसके लिए उजाला तकवा है। तकवा अगर आपका आपके पास आ जाए, दुनिया का अंधेरा छट जाएगा। आखिरत का अंधेरा है, उसके लिए उजाला क्या है? नेक अमल है। नेक अमल आपके पास हो जाए, आखिरत का अंधेरा कट जाएगा, छट जाएगा। कब्र का अंधेरा कैसे कटेगा? आपके पास कलिमा है, कलमे की ताकत है, कब्र का अंधेरा कट जाएगा। पुल सिरात का अंधेरा कैसे ख़त्म होगा? ईमान की ताकत से, यकीन की ताकत से पुल सिरात का अंधेरा ख़त्म हो जाएगा।
दुनिया को उजाले में रखेंगे, आखिरत को अंधेरे में रखेंगे। हाथ उठा दीजिए। खैर, यहाँ दो चार पांच आदमी फिर भी हाथ उठा रहे। हम तो आपको या तो कब्रिस्तान भेजेंगे या तो आपका जनाजा पढ़ेंगे। बेदार हो जाइए, मुकम्मल तैयार हो जाइए। अल्लाह हम सबको अपनी बंदगी के लिए कबूल फरमाए। कबूलियत की घड़ी है, आमीन कहिए। अल्लाह अपने रसूल के इताअत के लिए हम सबको कबूल फरमाए। छुपा कर दीन अहमद के कफन में साथ लाया हूँ, फरिश्तों फरिश्तों करके कंधा कल्ब पे कुरान लाया हूँ, खुली आँखें हैं उनकी दीद का अरमान लाया हो, लहद में रोशनी के वास्ते सामान लाया हो, लहद में रोशनी के वास्ते सामान लाया हो, अंधेरा घर सुना था शम मैं ईमान लाया हो, अंधेरा घर सुना था शम मैं ईमान लाया हो। यहाँ से देखिए वहाँ तक मजमा बेदार है, बिल्कुल खाता खुल रहा है। आप लोग सुन रहे, बच्चों के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूँ। सुनने के लिए तैयार हैं? इंशाल्लाह हाथ उठाइए। बिल्कुल सही जा रहा, घबराने की बात नहीं है। एक बात याद रखिए, कपड़ा पहना रहे आप अच्छा, अपने बच्चे को भूल जाएगा। खाना खिला रहे हैं, इस एहसान को भूल जाएगा। अच्छा मकान बना करके अपने बच्चे को दे रहे हैं, भूल जाएगा। एक एहसान कीजिए, ज़िंदगी भर याद रखेगा। आप जाहिल रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपने बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिए, ज़िंदगी भर एहसान को याद रखेगा।